गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि काफी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनली होती है सेल की, काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें हमने स्टडी किया था कि उसके न्यूक्लियर एनवेलप होता है जिसमें डबल मेम्ब्रेन्स होती है, उसके बाद उसके अंदर फिल्ड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में प्रेजेंट होती है। जैसे ही सेल को डिवाइड करना होता है या सिग्नल मिलता है सेल डिवीजन के लिए, तो क्रोमेटिन फाइबर्स अपने आप को कंडेंस कर लेते हैं और कंडेंस करने के बाद बनाते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स डीएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए एक्चुअल में वो मटेरियल है जो कैरेक्टर्स को आगे लेके जाता है और प्रोटीन सिर्फ उसकी पैकेजिंग में हेल्प करती है। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिन की ही कंडेंस फॉर्म होती है। क्रोमोसोम्स के कंसिस्ट के अलावा जो न्यूक्लियस है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सबसे पहले तो सेल के पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, सेल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मींस जैसे एक सेल को सिग्नल मिलता है कि उसको डिवाइड करना है, तो डिवीजन से रिगार्डिंग सारी प्रोसेसेस को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब न्यूक्लियस के बाद हमने ये स्टडी किया था कि दो तरह की सेल्स होती है, कि न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है या अब्सेंट है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, वहां पे जेनेटिक मेटल एक रीजन में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए उसको न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन भी बोल दिया जाता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अब डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल साइज। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज है जनरली स्मॉल, काफी छोटा साइज होता है, 1 to 10 माइक्रोन, 1 से लेकर 10 माइक्रोन तक का जनरली इनका साइज होता है। 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10^-6 मीटर, यानी कि काफी छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसको एक बेटर माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज है वो 5 to 100 माइक्रोन होता है। 5 माइक्रोन की सेल हो सकती है और 100 माइक्रोन की भी सेल हो सकती है। जनरली उनके बीच में ज्यादातर सेल लाई करती हैं। जैसे हमारे केस में ह्यूमन बॉडी के अंदर ज्यादातर जो सेल्स है उनका साइज 10 to 20 माइक्रोन होता है। सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियर रीजन, नॉट वेल डिफाइंड। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता एंड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ना ही वहां पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। नॉट वेल डिफाइंड मीन्स एक जगह पे वो कंसेंट्रेटेड तो होता है लेकिन एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर वैसा नहीं बन पाता जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में होता है। यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है क्योंकि ये सराउंडेड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, या ये कह सकते हैं न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड होता है जिसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम यहां पे प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में जिसको प्रो क्रोमोसोम बोलते हैं। ये एक्चुअल में यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट जो क्रोमोसोम है उससे डिफरेंट होता है। वहां पे डीएनए प्रोटीन के अराउंड रैप होता है जबकि यहां पे ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये प्रो क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम से जस्ट पहले की स्टेज होती है, इसलिए इसको प्रो क्रोमोसोम बोला जाता है। यहां पे क्रोमोसोम का नंबर अगर देखें तो मोर देन वन क्रोमोसोम, एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी खुद की एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं या 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट। यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती। ये सेल ऑर्गेनेल्स स्पेशलाइज्ड स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एक पर्टिकुलर वर्क करते हैं। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, तो यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे लोअर क्लासेस में आपने स्टडी किया होगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के सारे स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है, प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है, मींस यहां पे सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती है, इसलिए ये सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। सिर्फ एक बाउंड्री है, उसके अलावा कोई कंपार्टमेंट्स इसमें नहीं होते।
यूकैरियोटिक सेल इज अ डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, यानी कि एक आउटर जो बाउंड्री है वो तो सेल मेम्ब्रेन हो गई और उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स की अपनी बाउंड्री होती है, तो ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं, जिनका काम प्रोटीन सिंथेसाइज करना होता है। यहां पे राइबोसोम्स का 70S टाइप प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रिमिटिव टाइप का राइबोसोम यहां पे प्रेजेंट होता है, जो साइटोप्लाज्म में या तो स्कैटर्ड बिखरा होता है या चेन की फॉर्म में भी अटैच हो जाता है, जिसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोला जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स हैं दैट आर ऑफ टू टाइप्स, 80S टाइप इन साइटोप्लाज्म एंड 70S टाइप इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। साइटोप्लाज्म में 80S टाइप के राइबोसोम्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड जो सेल के अंदर होते हैं उसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में देयर इज नो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं जो कि राइबोसोम्स की सिंथेसिस का काम करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? प्रोकैरियोटिक के सेल्स के अंदर या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जनरली इंक्लूड होते हैं बैक्टीरिया, यस साइनोबैक्टीरिया उसके मेंबर्स होते हैं। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें या प्रोकैरियोटिक किसी भी सेल की बात करें, टिपिकल जो सेल होती है, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है यहाँ पे देखें तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे बाहर जो है डॉटेड लाइन में आपको रिप्रेजेंट हो रही है, जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है सेल वॉल को, तो डॉटेड लाइन सेल वॉल को रिप्रेजेंट करती है। डॉटेड लाइन के बाद जस्ट इनर साइड में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर सबसे बाहर सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है। यहां पे जैसे ये व्हाइट वाली जो लाइन है, क्योंकि सेल वॉल जो डॉटेड लाइन है ये एक्चुअल में सेल वॉल के बाहर की भी एक कवरिंग होती है, जिसको कुछ केस में ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। तो ये जो डार्क पार्ट है ये सेल वॉल होगी, जो व्हाइट पार्ट आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये रेडिश कलर के स्ट्रक्चर, ये फ्लैजेला होते हैं जो बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियोइड रीजन है, इसकी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके अंदर एक सिंगल प्रोक्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मीन्स जो डीएनए है सर्कुलर डीएनए होता है जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वाले डॉटेड स्ट्रक्चर, ये सभी डॉटेड स्ट्रक्चर राइबोसोम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल जिनको बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअल में फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बनती है, इनको मीजोसोम्स बोला जाता है। मीजोसोम्स का काम सेल डिवीजन में हेल्प करना है, यानी कि जो न्यूक्लियोइड है जब वो अपने आप को डिवाइड करता है तो उसके डिवीजन में मीजोसोम ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसके साथ में कुछ रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स है वो भी एसोसिएट होते हैं, तो ये एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी करता है। इसके अलावा आपको ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल रहे होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको फिम्ब्राई बोलते हैं। जो फिम्ब्राई होती है ये बैक्टीरियल सेल की अटैचमेंट में हेल्प करती है, मीन जहां पे भी इनको अटैच होना होता है वहां पे इन्हीं स्ट्रक्चर की हेल्प से एक प्रोकैरियोटिक सेल अटैच होती है। सो दैट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है, रिजिड आउटर कवरिंग होती है और ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल, ये कंपोज होती है म्यूकोपॉलीसेक्राइड या पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जैसी यूकैरियोटिक सेल्स की मेम्ब्रेन होती है सेम वैसी ही मेम्ब्रेन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल की होती है। मीजोसोम, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था मीजोसोम, जो कि फोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इस पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, इसके अलावा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोइड में या डीएनए के डिवीजन में हेल्प करते हैं। राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं जिनको प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं, यही रेस्पॉन्सिबल है प्रोटीन को बनाने के लिए। सेलुलर अपेंडेजेस की बात करें तो फ्लैजेला हेल्प, इसमें जो अपेंडेजेस हैं एक तो फ्लैजेला होते हैं, दीज हेल्प इन मूवमेंट,
मूवमेंट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल की मूवमेंट में फ्लैजेला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है फिम्ब्री, दिस हेल्प इन अटैचमेंट टू अ पर्टिकुलर साइट, किसी भी साइट के साथ अटैचमेंट में फिम्ब्री जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पिलाई भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी फिम्ब्री के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन एक टाइप का अटैचमेंट होता है दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में, जिसमें एक बैक्टीरिया अपने डीएनए का छोटा सा पार्ट दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर डिलीवर कर देता है, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो जब दो सेल आपस में अटैच होते हैं तो पिलाई की हेल्प से अटैच हो पाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द साइटोप्लाज्म। मैंने आपको सेल के तीन पार्ट बताए थे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जो थर्ड पार्ट है उसको हमें डिस्कस करना है डिटेल में। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्मिक मास बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। अगर ये न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता, तो न्यूक्लियोइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो साइटोप्लाज्म है, दिस रीजन टेक्स अ वेरी लिटिल स्टेन। जब एक सेल को कलर किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करने के लिए, तो ये वाला पार्ट सबसे लाइट कलर गेन करता है। तो ये लाइट होता है स्टेन, लाइट स्टेन को ये रिसीव करता है। इट इज अ फ्लूइड कंटेंट, इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बंद एक फ्लूइड कंटेंट होता है जिसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो यहां पे जो साइटोप्लाज्म है उसके दो पार्ट बन जाते हैं, तो फ्लूइड पार्ट जो फ्लो कर सकता है, और एक उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड सेल ऑर्गनेल्स जो वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज दैट साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ लॉट ऑफ केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो केमिकल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, दे अंडरगो फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन। तो वो केमिकल्स एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं, एक दूसरे से बनते रहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है, दैट इज द मेन अरीना फॉर द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेल की सबसे ज्यादा रिएक्शंस जो साइटोप्लाज्म पार्ट है उसी के अंदर होती है, इसलिए साइटोप्लाज्म मेन अरीना होता है, मेन पार्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स एज वेल एज सेल इंक्लूजन्स। जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर काफी सारी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स होती है, इसके अलावा सेल इंक्लूजन्स होते हैं। सेल इंक्लूजन्स का मतलब होता है डेड स्ट्रक्चर्स और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, उसके अलावा सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर अनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। यहां पे जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, अनक्लोज्ड होती है। जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यहां पे प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सिंपल कोई भी मेम्ब्रेन, ऐसी क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करती है, या क्या सिग्निफिकेंस है एक मेम्ब्रेन की? मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होने से ऐसा क्या होता है, और मेम्ब्रेन अब्सेंट होने से एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है? तो यहां पे अगर हम देखें तो एक्चुअल में क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन। जैसे वायरसेस के रिगार्ड में आप जानते हैं कि वायरसेस में सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके बाहर उसका प्रोटीन कोट होता है। ये बिल्कुल वैसे ही आप कंसिडर या इमेजिन इसको कर सकते हैं जैसे मेडिसिन के लिए कैप्सूल बनते हैं। कैप्सूल में एक कवरिंग होती है, उसके अंदर कुछ पाउडर भरा होता है जो मेडिसिन होती है। तो वायरसेस में जो पाउडर है वो एक तरीके से उसका जेनेटिक मटेरियल है, और जो कैप्सूल की कवरिंग है वो इसकी भी कवरिंग होती है। तो वायरसेस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें से प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है, दो ही केमिकल जनरली इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। अब इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन ना होने की वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको शो नहीं कर पाता है। कब तक? जब तक ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता है। तो एक मेम्ब्रेन एक ऑर्गेनिज्म
या एक पर्टिकुलर थिंग कि वो लिविंग की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा, उसका सारा का सारा जो डिपेंडेंस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। इसलिए मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। तो जो वायरसेस है उनकी अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए वो लिविंग बॉडी से जब बाहर होते हैं तो डेड माने जाते हैं, और जब वो लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो लिविंग बॉडी की मशीनरी का यूज करते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सेल ऑर्गनेल्स। सेल ऑर्गनेल्स की बात करें, इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के इंटीरियर पार्ट को सेल के जो एक्सटीरियर पार्ट है यानी कि एनवायरमेंट है उससे अलग करते हैं। मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोनों चीजों को सेपरेट करने में। अब इसी तरीके से जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो बड़ी और कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं उनकी अंदर भी बहुत सारी ऐसी केमिकल एक्टिविटीज होती है जिसको परफॉर्म करने के लिए या इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए इनको, इन रिएक्शंस को या इन केमिकल एक्टिविटीज को आइसोलेट करना होता है। ये बिल्कुल आप वैसे ही कंसिडर कर सकते हैं जैसे आप जिस घर में रहते हैं उस घर के अंदर आपके अलग अलग कमरे बने होते हैं, किचन के लिए अलग पार्ट होता है, लिविंग रूम अलग होता है, आपका बेडरूम अलग होता है, स्टडी रूम भी अलग हो सकता है, यहाँ तक के लिए वर्शिप प्लेस जहाँ पे आप पूजा वगैरह करते हैं वो भी अलग हो सकता है, उसके लिए पार्टीशन होते हैं। अगर आप सपोज करिए कैसा हो, आपकी कॉम्प्लेक्स फैमिली हो, मीन्स आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, साथ में आप जो बहन भाई हैं वो दो या तीन अगर एक ही घर के अंदर हैं, और साथ में आपके अंकल या आंटी भी वहां पर रहते हैं, उनके भी बच्चे हैं, सारे एक ही हॉल के अंदर आप प्रेजेंट हैं। अब एक ही हॉल है तो उस हॉल के अंदर अगर पार्टीशन नहीं होगा तो कैसा सिस्टम होगा? एक तरफ किचन में खाना बन रहा है तो दूसरी तरफ कोई पर्सन सो रहा है, तो कोई बातें कर रहा है, कोई जैसे टीवी जो है उसको ऑन किए हुए है और टीवी पे अपना प्रोग्राम देख रहा है, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, कोई भी चीज एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी। जबकि एफिशिएंसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि पार्टीशन कर दिया जाए ताकि एक जगह पे जो काम हो रहा है वो दूसरी जगह पे अपीयर ना हो। तो इसलिए सेल ऑर्गनेल्स में केमिकल एक्टिविटीज को सेपरेट करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए उनको मेम्ब्रेन कवर्ड कर दिया जाता है जिससे वो सेल ऑर्गनेल्स में चेंज हो जाते हैं। नाउ टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गनेल्स विद इन देम। तो ये सेल क्या करते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज को आइसोलेट करने के लिए, अलग अलग बनाए रखने के लिए और साथ में उनकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, इन सभी एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं जिनको सेल ऑर्गनेल्स बोला जाता है, जो कि सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो ये एफिशिएंसी को बढ़ाने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट थिंग आती है, व्हाट आर द वेरियस सेल ऑर्गनेल्स, कौन कौन सी सेल ऑर्गनेल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। एक टिपिकल सेल की अगर हम बात करें, जनरल सेल की बात करें, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स के अलावा वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, सेंट्रियोल्स ये सेल ऑर्गनेल्स सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ग्लाइओक्सीसोम्स, पीरोसोम्स या परोक्सीसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स जो प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो बहुत सारी ऑर्गनेल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो सेल ऑर्गनेल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि सभी सेल ऑर्गनेल्स एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज होती हैं। जो ऑर्गनेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गनेल्स प्रेजेंट होती हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होती है। जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती उसमें जैसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सेंट्रियोल्स हैं ये बिना मेम्ब्रेन की सेल ऑर्गनेल्स होती है। तो बाकी में तो सभी के अंदर मेम्ब्रेन होती है, तो इनके अंदर जो भी रिएक्शंस होती है वो बाकी सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन से बिल्कुल सेपरेट होती हैं। नेक्स्ट टाइम हम इन्हीं सेल ऑर्गनेल्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे कि एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गनेल क्या वर्क परफॉर्म करती है। इसके अलावा
कुछ जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है अपने फंक्शन में और अपने स्ट्रक्चर में या इंटरेक्शन में, जिसको हम एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम भी बोलते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम में भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, उनको भी हमें स्टडी करना है कि कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स है जो आपस में एसोसिएटेड होती हैं और जिनका एसोसिएशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको हम टू एटलीस्ट थ्री सेल ऑर्गेनेल्स वन टाइम पे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका टाइम टू टाइम ये सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट हो पाए। और मेन चीजें जो इन सेल ऑर्गेनेल्स की होते हैं, मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड फंक्शंस, वो भी कवर किया जा सके। ओके, थैंक यू।